ओबीसी महासभा बालाघाट ने अपनी 20 सूत्रीय मांग को लेकर साथी आरक्षण और शिक्षक भर्ती में रोक के खिलाफ प्रदर्शन कर कराया मुंडन। जहां प्रदर्शनकारियों ने काला मास्क और काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन, साथ ही कहा कि सरकार ने मांगों पर नहीं दिया ध्यान तो होगा प्रदेश में बड़ा आंदोलन। खबर बालाघाट से है, जहां प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट में गए ओबीसी आरक्षण वृद्धि के मामले में सरकार के चले जाने के बाद सत्ता में आई प्रदेश सरकार अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, जिसका सीधा असर ओबीसी आरक्षण कोटे से नौकरी की मंशा पाले युवाओं पर हो रहा है। दूसरी ओर सरकार ने शिक्षक भर्ती की आस पाले चयनित शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे न केवल प्रदेश का ओबीसी वर्ग अपितु शिक्षक पात्रता परीक्षा चयनित अभ्यर्थी स्वयं को ठगा और आहत महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में ओबीसी महासभा से जुड़े युवाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मुंडन कराया। प्रदेश सरकार से ओबीसी और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि आगामी समय में तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को प्रदेश में बढ़ाकर 27% किए जाने पर महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट में होनी है, जिस पर सरकार ओबीसी वर्ग को लेकर अपना पक्ष में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन खास बात यह रही, जिस पर सरकार ओबीसी वर्ग को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखे और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करवाए। खास बात यह रही कि आंदोलन के दौरान कोविड-19 से बचाव को लेकर न केवल प्रदर्शनकारी मास्क लगाए रहे अपितु सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। ओबीसी आरक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को प्रारंभ करने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आज 28 जुलाई को जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक में ओबीसी युवाओं और चयनित शिक्षकों ने आंदोलन किया। स्लोगन होंगे ना, स्लोगन लगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। ओबीसी के सम्मान में ओबीसी महासभा मैदान, ओबीसी के सम्मान में महासभा मैदान में, ओबीसी के सम्मान में ओबीसी महासभा मैदान में, ओबीसी की यही पुकार, ओबीसी की यही पुकार, ओबीसी की यही पुकार, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक भर्ती शीघ्र करो, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक भर्ती शीघ्र करो, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक भर्ती शीघ्र करो, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षक भर्ती शीघ्र करो। सरकार 27% आरक्षण जो सरकार ने पास किया था वो हमको दे, तत्काल प्रभाव से जितनी भी भर्तियां 3 साल से रुकी हुई हैं वो समस्त भर्तियां त्वरित रूप से जारी की जाएं। साथ साथ सिविल सेवाओं में भी जो युवक जाना चाहते हैं, जो पिछले 1 साल से पीएससी प्री 2019 हुआ है, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो उन छात्रों के लिए भी हम मांग करते हैं कि उनके लिए भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए, 2020 का प्री भी जल्दी जारी किया जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि हमारे शिक्षक साथी जिन्होंने वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों क्वालिफाई किया है, आधे समय में आगे सरकार ने सत्यापन रोक भर्तियों पर लगी, जिससे कुछ युवाओं का मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है। ग्रामीण तबकों से बच्चा कोई खेत बेच कर मकान गिरवी रखकर यहाँ पढ़ाई करने आता है और भोपाल जाता है, वर्ष में उसको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आता है, 3 वर्षों से भर्तियां नहीं, इस वजह से छात्र भी परिजन भी और आसपास के सभी लोग जो उनसे मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। आए दिन देख रहे हैं खरगोन में भी 2 साल युवा साथियों ने आत्महत्या कर ली, बालाघाट में भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही मामला एक सामने आया था कि बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या करने पर।
सौरभ जी बताएंगे, ओबीसी महासभा के द्वारा आज बालाघाट में खास करके तीन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ा गया और इसके तहत में आज सड़कों पर बड़ी तादाद में युवा उतरे हैं। क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप सरकार का ध्यानाकर्षण इस ओर कराना चाहते हैं? आज ओबीसी महासभा चौथी जो मांग है हमारी, बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बालाघाट जिले में शासकीय नौकरी में जितने भी सेवक हैं सभी को नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने का अलग से लाभ दिया जाए, ऐसी 20 सूत्री मांगों को लेकर आज बालाघाट जिले की युवा शक्ति यहाँ पे जमा हुई थी। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हम सभी ने अपनी मांग यहाँ पे रखी और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाया। इसमें हमारे तीन युवा साथियों ने मध्य प्रदेश सरकार का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करवाने के लिए मुंडन भी किया है, तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करता हूँ कि हमारी 20 सूत्री मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें। अगर जल्द से जल्द विचार नहीं किया जाता है तो जो आज बालाघाट में आघात हुआ है यह बड़ा रूप लेगा और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ में खड़ी रहेगी और आवाज बुलंद करेगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।